आते भी हैं, हमारे एक ही निवेदन है, हमने यहाँ जितने भी अधिकारी, हम कहते भाई हम कोई अनुदान नहीं मांग रहे, हमें चाहते हैं कि जैसे कैलाश मानसरोवर के यात्री आए उनको यहाँ पर पहन भाई थोड़े देते छोटे कैलाश के आते हैं विद्यार्थियों भाई जो सारे मे सन सरे सर नि सन धप मगर सा मगर सर नि सन धप मगर सा सुनो नहीं, आपका कहना बिल्कुल जायज है, आप स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं तो सरकारों से भी निवेदन करूंगा या फिर लोकल प्रशासन जो यहाँ पर का है या फिर जो स्कूल के संचालक हैं विशेष तौर पर जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहाँ पर इस इतने बृहद संग्रहालय यहाँ पर जो बना हुआ है जहाँ पर कि बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है पुरातत्व से संबंधित, तो उन बच्चों का एक एजुकेशनल टूर जो है कराया जाए 15-20 बच्चे से ही 25 ही बच्चे से, ताकि जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति हो, यहाँ का आर्ट है, क्राफ्ट है, बाहनी बर्तन है, औजार है, जो पुराने आभूषण है, जो पहनावा है, सारे चीज यहाँ पर एक संग्रह के रूप में यहाँ पे एक ही जगह एक ही छत के नीचे यहाँ पे मिलता है। तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर जो हमारे वयोवृद्ध पुरातत्वविद बकायदा पुरातत्व के पितामह कहलाते हैं यशोधर मठपाल जी, तो उनके सानिध्य में आए, उनसे बातचीत पूछें, जो शोध के छात्र हैं जो आर्कियोलॉजी में या फिर हिस्ट्री में कहीं पर शोध का कार्य कर रहे हैं, तो वो उनसे आके संपर्क कर सकते हैं, उनसे आके मिलके बहुत ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो मठपाल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ कॉलेज के बच्चे जो PhD वगैरह करते हैं तो कभी आपके संपर्क में आए या फिर आपसे पूछने के लिए यहाँ पर आते हैं? देखिए वो तो आते ही हैं यहाँ, वैसे जितना भी प्रशासनिक अकादमी के जितने भी प्रशिक्षु हैं IAS IPS ICA और जो PCS वो अधिकारी भी यहाँ आते हैं जब इनका ग्रुप आता है। इसी तरह जुडिशियल जो हमारे वैदिक न्याय भवाली में जो जुडिशियल उजाला जो संस्था है वो भी कई बार आए। इसके सिवाय मुझे विद्यालयों में अभी घोड़ाखाल में हर काम कई विद्यालयों ने मुझे बुलाया था, तो यहाँ पर विद्यालयों के भी हम उनसे भी कहते हैं कि आप यहाँ पर लाइए, क्योंकि विद्यार्थियों को नहीं, यहाँ के जो इतिहास के प्रोफेसर रहे उन्होंने भी आदि मानव के पत्थर के औजार नहीं देते हैं। हमारे पास एक एक लाख साल के पत्थर के औजार हैं, तो देखते हैं उनका चित्र है। दूसरा यहाँ जितने लोग आते हैं यहाँ तक कि कलकत्ता और दिल्ली से, वो कहते हैं कि आपका इतना संग्रह है, आपने शहर नहीं देखा इतना बड़ा संग्रह है, इसमें तो मैंने ऐसे अच्छे अच्छे संग्रहालय के बाद तस्करा नहीं है और हमने कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी हम कोई चीज मुहत में लाया है। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि आपके जो संग्रहालय की विशेषता है क्या, किस तरीके का संग्रह आपके यहाँ मिलता है? और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर गुफा चित्रों का भी वर्णन है, तो आप थोड़ा सा उसकी जानकारी दीजिए। ये यहाँ पर इस शोकेस में रखे हैं जी, जिनको एमोनाइट्स कहते हैं, ये 15 करोड़ वर्ष पुराने हैं। अरे बाप रे, हिमालय जब समुद्र से निकला उसमें जो समुद्री जीव ऊपर आ गए उनके फॉसिल हो गए, वो फॉसिल हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा, जो आज हिमालय में 10,000 फीट से ऊंचाई पर मिलते हैं। तो इसलिए हमारे इतिहास वहां से शुरू होता है जहाँ से हिमालय बनता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम केवल ये मध्यकाल या मुगल काल पर बात नहीं करते, हम तो मनुष्य के या यहाँ के पृथ्वी की उत्पत्ति से शुरू कर रहे हैं। तो ये करीब 15 करोड़ वर्ष पुराने हमारे पास चीजें हैं जो बड़ी दुर्लभ है। उसके बाद इसमें हमारे पास ये जिनको कहते हैं फॉसिल है, प्लांट फॉसिल, ये पेड़ों के और इनके जो है ये फॉसिलाई, ये भी 6 करोड़ वर्ष पुराने हैं। अच्छा अच्छा, तो इतनी पुरानी चीजें हमारे वहां से हम हो। और उसके बाद जब मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया तो हमारे पास यहाँ पत्थर के कुछ औजार तो 5 लाख साल पुराने तक है। और उसके बाद ये हमारे पास करीब 700 पत्थर के औजार है यहाँ। अच्छा, तो बड़ा दुर्लभ है, एक एक पत्थर के औजार की कीमत ही लाखों रुपया है, क्योंकि 1 लाख साल पुरानी कुल्हाड़ियां हैं पत्थर की। अच्छा, और भाले की नोके हैं ये हैं। तो यहाँ से पाषाण काल पूरा हमारे पास है। उसके बाद पाषाण काल के बाद जब बर्तन बनने शुरू होते सुन के बर्तन और ईंटें हैं। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर जहाँ से लोहा तांबा कांसा पीतल
बांस लकड़ी निंगाल लकड़ी जितने चीजों में जो बन सकते हैं बर्तन वो सारे नमूने यहाँ हैं। फिर हस्तलिखित ग्रंथ है यहाँ पर, पांडुलिपियां हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर ये दुर्लभ संग्रह है। इसी तरह पुरानी पुस्तकें हैं जो शुरू में प्रेस में हुई थी, ये चीजें हैं। और लोक कला की सामग्री कुछ यहाँ है, कुछ एक पूरा ऊपर गैलरी में है। अच्छा अच्छा। और इसके सिवाय थाड़ू बोखला जोनसारी और भोटिया राजी सबके यहाँ पर हमने संस्कृति को रखे हैं। इतना ही नहीं, तिब्बत की संस्कृति भी रखी हमने। अच्छा अच्छा। तो ये एक गैलरी में केवल जनजाति और तिब्बत संस्कृति है। अच्छा। क्योंकि 100 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी है। अच्छा अच्छा। दूसरी गैलरी में गुफा कला है। क्योंकि मैंने 30 साल में 400 गुफाओं में हिमालय से लेके केरल तक काम किया और मेरी 50 पुस्तकें हैं, आपको ताजु हो जाएंगे। अच्छा। तो इसके सिवाय मैं रोज चित्र बनाता हूँ। मैंने यहाँ की संस्कृति पर फूल देखी, इनके जो आज हल्द्वानी में कई सारे जो बना रहे हैं ना, ये मेरे चित्रों की भोड़ी नकल कर रहे हैं। अच्छा। हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन सारे यहाँ के जो आप संस्कृति के जो चित्र बन रहे हैं वो अधिकतर मेरे आप देखेंगे यहाँ। एक तो एक गैलरी 100 फीट लंबी, उसमें यही है सारे, करीब 300 चित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तीन गैलरी होगी, चौथी गैलरी इसमें हमारा सारी सामग्री है, पत्थर के औजार से लेकर के ये एमोनाइट से लेकर के सारे बर्तन भांडे जितने हैं हर प्रकार के वो सामग्री है। तो इतना है और आते भी हैं। हमारे एक ही निवेदन है, हमने यहाँ जितने भी अधिकारी, हम कहते भाई हम कोई अनुदान नहीं मांग रहे, हमें चाहते हैं कि जैसे कैलाश मानसरोवर के यात्री आए उनको यहाँ पर कहें भाई थोड़े देखे, छोटे कैलाश के आते हैं कहते हैं जी बिल्कुल, विद्यार्थियों का एक जो शैक्षिक भ्रमण होता है जी बिल्कुल, शैक्षिक भ्रमण में यहाँ लाए जी हो जाए। इसके सिवाय जितने सरकारी अधिकारी हैं जी बिल्कुल, जैसे IAS PCS वाले ये तो आते ही हैं, तो हम उनको लेक्चर भी देते हैं घंटा जी, उसके बाद संस्कृति बारे में समझाते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है संग्रहालय की उपयोगिता, कि हमें ये पता नहीं है कि हमारे गाँव से कौन तस्कर चीजें उठा के ले जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है उसको संघर्षित करने का। कोई मूर्ति आपके सामने से गांव से उठा के ले जा रहा है, बस में ले जा रहा है जी। आपको ये पता नहीं होगा कि हम किसको रिपोर्ट करें। जी। तो इसलिए यहाँ कोई सिस्टम होने से हम हर विद्यार्थी से कहते हैं कि आपको अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को बचाना है, यही संग्रहालय की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसलिए हमने पिछले 40 साल में कोशिश की है और कई सारे आज भी हम जो कुछ भी है अपने पुस्तकों से, अपने चित्रों से, चित्रों के अनुकृतियों से हम थोड़ी बहुत आमदनी कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर टिकट रखा है जो आते हैं विद्यार्थियों के नाम, पूरा एक स्कूल के नाम पर उसमें कहते भाई इतना आप दे दीजिए बजाय व्यक्तिगत को। और इसके सिवाय हमें चाहते हैं कि जहाँ पर हमारा उपयोग होता है तो कम से कम हमको अगर आप हमारा 2 घंटा व्याख्यान सुनते हैं तो उसका हमको मिनिमम कुछ ना कुछ मेहनत पारितोषिक। तो ये ढंग से 40 साल चल रहा है, अगर कोई पेड़ 40 साल तक हरा रहता है तो फिर सूखेगा नहीं जी। जी बिल्कुल, हमारा ही विश्वास है। इसलिए हमने संग्रहालय बना दिया है जी। अब इसका संभालने का दायित्व जो है वो स्थानीय जनता का भी है जी। और सरकार का भी है बिल्कुल। और आप जैसे चैनल जो आपने धात सुनो जो बनाया, ये बहुत अच्छी पहल की है जी। क्योंकि धात जो हमें आवाज लोगों को बुलाना है सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जी बिल्कुल, उनके अतीत को जानने के लिए जी। अपनी जिस जाति का अपना इतिहास नहीं होता है उसका संसार में कोई मान्यता नहीं होती जी बिल्कुल, इसलिए अपने इतिहास को जानना जरूरी है जी बिल्कुल। और उसके हम प्रयास कर रहे हैं जी। और हमें प्रसन्नता है कि हमने अपने हिस्से का काम तो कर दिया। अब अगर बाकी जनता या सरकार अगर इसके बारे में सहयोग देती तो अच्छा है, नहीं भी देगी तो इसी हालत में संग्रहालय चलेगा। क्योंकि जब जो 40 साल हो चुके हैं तो निश्चित रूप से इतने सारे धन्यवाद सहरी है, अब ये सूखेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबको पुनः धन्यवाद, आपने यहाँ आकर के संग्रहालय के बारे में रुचि दिखाई। हम चाहते हैं कि आप अपनी ओर से भी मैसेज करें कि भाई यहाँ पर वो चीजें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी जी। बिल्कुल। पर्यटक यहाँ आते हैं लेकिन यहाँ की केवल प्राकृतिक सूचना देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि यहाँ की संस्कृति भी देखें जी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात ही पूछना चाहूंगा कि आपने विगत 40 वर्षों से इस संग्रहालय को बनाने में जी तोड़ मेहनत की है और न जाने कितने वर्षों पुराने संग्रह को आपने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको सजोने संवारने में आपने अपनी पूरी उम्र
लगभग बिता दी है, तो क्या मैं जानना चाहता हूँ क्या आपके बच्चे भी इस संग्रह को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं या वो अपने कार्य को करते हैं? देखिए मेरे तीन बेटे हैं जिनमें से सबसे बड़ा बेटा सुरेश मटपाल है जो कि आज संग्रहालय को देख रहा है और उसके निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, और बाकी एक तो तमिलनाडु में है। अच्छा। साल में एक बार आता है जी, पर एक देहरादून में और बहुत कम आते हैं सबसे छोटा। तो इतना है कि बड़ा बेटा जो है इसने ग्रेफिक गिरा की भी नौकरी छोड़ के उससे पहले भी उसमें रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये पूरी तरह से संग्रहालय में समर्पित है। अच्छा। और ये इसका देख रहा है पूरा आर्थिक पक्ष भी, और सारा इसलिए ऐसी कोई निराश होने की बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात इतना मैं आपसे कहना चाहिए, हमारे भारत में सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति का कोई देखने वाला नहीं होता है। जी जी जी। अगर व्यक्तिगत संपत्ति होती है तो निश्चित रूप, इसलिए हम लोग पारिवारिक जो धरोहर होती है उसको बचाने में प्रयत्न करते हैं। जी जी। और ये मेरे लिए हर एक के साथ होता है। सरकारी में कोई वो तो हो जाती है जैसे कि किसी की जमीन नहीं होती, लेकिन इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि हमारा जो बड़ा बेटा है उसकी घरवाली है, उनके जो आगे बच्चे हैं वो संग्रहालय में रुचि दे रहे हैं और भविष्य में देखेंगे। ठीक ठीक। मैं डॉक्टर साहब, आप हमारे धाचनो चैनल पर आए और इस उम्र के पड़ाव में भी आप में जो एक संग्रह का जज्बा है, जो आपका एक शौक है, पैशन है, उसको आपने बरकरार रखा हुआ है, और आपने कुमाऊं ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के पूरे थाती माटी की विरासत को सहेजने का काम किया हुआ है, हम आभारी हैं, हम ऋणी हैं आप के इस सोच के जो आपने इतना बड़ा संग्रहालय यहाँ पे खड़ा किया है। मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि जब कभी भी आपको मौका मिलता है भीमताल के मेहरा गांव में यदि आप आते हैं तो इस संग्रहालय जरूर आएं, और स्कूली बच्चे विशेष तौर पर इस संग्रहालय का लाभ लें, और राज्य सरकार के नुमाइंदों से भी आग्रह करूंगा कि आपको कुछ न कुछ पारितोषिक वो उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उनकी भी जीविका भी चले, और अगले एपिसोड को हम आपके सुपुत्र सुरेश मटपाल जी के साथ देखेंगे ताकि हम पूरे संग्रहालय का निरीक्षण कर पाए, उन चीजों को दिखा पाए जो हमारे लिए एक असंभव सी दुर्लभ सी चीज है। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। आप चिरायु हूँ, सदायु हूँ, आपका स्वास्थ्य सुखद रहे और आप बहुत लंबी उम्र जिए और आपका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके धास सुनो चैनल को जी। चाहेंगे कि ये आप यहाँ की पूरे उत्तराखंड की धात बने जी, बिल्कुल का ध्यान जोर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।